हाँ जी मित्रों, वेलकम बैक। स्वागत है सब का एक नवे ब्लॉग से। आप इस टाइम खड़े हैं चविंडा देवी मंदिर, जो कि अमृतसर कद्दू नंगल के 4-5 किलोमीटर की दूरी पर हैगा। तो अंदर जाके हिस्ट्री पता करते हैं मंदिर की। तो आज लैके चलता तुम किसी की आंखें नहीं है तो आंखें सूख के जाती है, माता रानी सारी आंखें ठीक हो जाएंगी तो आंखें ठीक हो जाएंगी। जो भी आदमी जिस भावना से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि जहाँ पे चंड और मुंड महामारी जो के मारे थे, और जहाँ पे चंड की जो हत्या की गई थी और वहाँ पे मुंड की हिमाचल में जो चमुंडा देवी है ना, तो पंडित जी जैसे कि अभी मैंने बाहर देखा कि बहुत सारे लोग वो मुर्गा लेके आए हुए हैं, उसका क्या है? यहाँ पे लोग सुगना करके जाते हैं कि माता जी सारा ये काम हो गया तो मुर्गा चढ़ाऊंगा, बकरा चढ़ाऊंगा। वैसे ये परंपरा खत्म कर दी है, लेकिन कुछ लोग बिताते हैं चढ़ा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी मुर्गा और बकरे की बलि नहीं दी जाती। अभी तो जो मुर्गा मुर्गी आते हैं जहाँ पे मत्था देख के वो बाहर रखे जाते हैं, बाहर छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे कोई बलि नहीं होती, बलि सिर्फ कलयुग में नारियल की, हलवा की, इन्हीं की, नींबू की बलि और किसी की बलि, और जो भी जीवत है उसकी मंदिर के अंदर। तो अभी तक दिन में कितनी संगत आ जाती है? अभी तक संगत कम से कम 1000 होंगी, और मेला भी होता है वहाँ पर, नवरात्रों में चैत्र से अशु के नवरात्रों में अष्टमी लखों आदमी आते हैं, और मंगलवार को तो 1000 आदमी आते हैं, आगे पीछे 1000-2000 संगत आते हैं। तो पंडित जी जो हमारी संगत देख रही है समय, आप उनको महामाई की तरफ से क्या संदेश देते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी अपना जागो, मंदिर जाओ, सुबह शाम 10 मिनट परमात्मा का नाम लो, 24 घंटा आपको परमात्मा दिए हैं तो 10 मिनट तो उनके नाम से निकालो, मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन परमात्मा का नाम जरूर जाओ। 24 घंटे में 10 मिनट जितना टाइम अपन नाश्ता में लगाते या खाने में, उतना टाइम परमात्मा को जरूर। आपका नाम नहीं पूछा? मेरा नाम पंडित अमित वाजपेयी, मैं यहाँ पे झांसी के रहने वाला हूँ, और यहाँ पे मेरे को 14 साल की माता जी की सेवा है। तो पंडित जी, जैसे कि बहुत सारी संगतें जैसे कि आती है, और चविंडा देवी के लिए जो लोग वहाँ पे हिमाचल में भी जाते हैं, क्या जो वहाँ पे जाके उनको प्रसाद या जो उनको आशीर्वाद मिलता है यहाँ पे भी? यहाँ पे तो ऐसा है कि जो मांगो वो मिलता है। हमारे सामने ऐसे ऐसे यहाँ पे कांड हुए हैं, एक लड़की थी 18 साल की, उसके जन्म से नेक नहीं थी, वो ये पिपल आपने देखा हुआ एंट्री किया हो, तो इसके नीचे 7 दिन रुक गए, वार्ड में उसकी नींद वापस आई हमारे सामने, ये सुना नहीं है देखा है सामने होता है। तो यहाँ पे जिस भावना से आता है उस भावना से मनोकामना पूरी जी है कि आपकी नियत नियत देखिए मैं से मन से आना चाहिए, अगर हमारा मन साफ है तो आपकी मनोकामना जरूर। ये मंदिर अभी रिसीवर के अंदर है, एसडीएम के अंदर है, और तहसीलदार हैंड ओवर करता है। तो आजकल हमारे हिंदू समाज में, सनातन में, कई ऐसे नौजवान हैं जो गलत दिशा में जा रहे हैं या फिर नशे वगैरह में पड़ रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि 84 होने के बाद एक बार मानव जन्म है, जो एक टाइम निकल गया वो पीछे नहीं होगा, वो आगे जाए, इसलिए हम यही कहते हैं कि कम से कम नहीं तो 24 घंटे में जितना खाने में टाइम लगा रहा है उतना ईश्वर का नाम लेने मिला, कि थोड़ा बहुत एक कलयुग का प्रभाव हो जाए, और सब में यहाँ भक्ति कलयुग में ही मिलती है, द्वापर त्रयोग में जितना भक्ति करनी पड़ती है तो इसमें 10 मिनट में भक्ति मिलती है, और कलयुग में तो आपको द्वापर में तो सदियों पर तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन इसमें जल्द से जल्द भक्ति मिलती है। हम यही कहते हैं नौजवान को कि मानव जीवन द्वारा नहीं मिलता, तो इसको अच्छी जगह लगता है।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਬਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਬਾਕੀ ਮੱਥਾ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ? ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।